हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का एनसीईआरटी जोन में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन और आंसर्स की क्लास नाइन्थ साइंस से सेकंड चैप्टर की, जो कि है इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, उससे पहले हम कुछ ज़रूरी क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं वो कर लेते हैं, फिर हम पेज के बीच बीच में जो भी क्वेश्चन एंड आंसर है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो है व्हाट इज़ मीन्ट बाय अ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं? आंसर है अ प्योर सब्सटेंस इज़ द वन दैट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। ऐसा सब्सटेंस जो कि सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से मिल करके बना है, ठीक है, दैट इज़ ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस हैव द सेम केमिकल नेचर। यानी कि जितने भी पार्टिकल्स होंगे उस सब्सटेंस में, उन सबका केमिकल नेचर एक जैसा होगा। प्योर सब्सटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड एज एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो प्योर सब्सटेंस को हम क्लासिफाई कैसे करते हैं? एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है लिस्ट द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। क्या क्या डिफरेंस है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में, आइए देखते हैं। अ होमोजीनियस मिक्सचर इज अ मिक्सचर हैविंग अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। होमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसा, तो वैसा मिक्सचर जिसमें जो कॉम्पोजिशंस हैं, जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका जो कॉम्पोजिशन है वो सेम है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, कॉपर सल्फेट इन वाटर, ये सब जो है होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। तो सॉल्ट के जितने भी पार्टिकल्स हैं सबका केमिकल नेचर एक है, पानी का भी केमिकल नेचर, तो दोनों मतलब प्रोपोर्शन उनका सेम है, ठीक है। तो ऐसे कॉम्पोजिशन को हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर मतलब अलग अलग मिक्सचर को हम कहेंगे, हेट्रोजीनियस का मतलब होता है अलग। हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज अ मिक्सचर हैविंग अ नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। जो मिक्सचर में जो कॉम्पोजिशन होगा ना वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, एक जैसा नहीं होगा। जैसे सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग्स, सॉल्ट एंड सल्फर, ऑयल एंड वाटर, ठीक है, ये सब है हेट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल्स। मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हो कि होमोजीनियस मिक्सचर बिल्कुल ही सॉल्यूबल होते हैं, लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर डिल्यूट नहीं होते एक दूसरे में, ठीक है। मतलब जैसे आप ऑयल और वाटर का बनाओगे मिक्सचर तो ऑयल ऊपर आ जाएगा, वाटर नीचे रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। अगला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स विद एग्जांपल्स। आपको फिर से वही क्वेश्चन है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर को एग्जाम्पल के साथ डिफरेंशिएट करना है। चलिए बात कर लेते हैं फिर से। अ होमोजीनियस मिक्सचर इज अ मिक्सचर हैविंग अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। फॉर एग्जांपल मिक्सचर ऑफ सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, कॉपर सल्फेट इन वाटर, आयोडीन इन अल्कोहल, एलोय एंड एयर हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर्स। एयर में भी जब यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन हो एयर में गैसेस का, तो वो भी क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। ऑन द अदर हैंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज अ मिक्सचर हैविंग अ नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर्स। For example, composition of mixture of sodium chloride and iron fillings, salt and sulfur, oil and water, chalk powder in water, wheat flour in water, milk and water are non-uniform, not uniform throughout the mixtures. ठीक है, second question है how are sole, solution and suspension different from each other? ये सब sole, solution and suspension एक दूसरे से अलग अलग कैसे हैं? Answer है सोल इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इन दिस मिक्सचर द सॉल्यूट पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं सोल, जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल जो होता है वो इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें नेकेड आई से देख ही नहीं सकते। ऑल्सो दे सीन टू बी स्प्रेड थ्रू यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द मिक्सचर। दे द टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व इन दिस मिक्सचर, फॉर एग्जाम्पल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मड एक्सेट्रा। तो क्योंकि ये स्प्रेड हुए होते यूनिफॉर्मली पूरे मिक्सचर में स्प्रेड रहते हैं, ठीक से डिल्यूट नहीं होते, जिससे टिंडल इफेक्ट भी देखने को मिलता है। जैसे एग्जांपल है इसका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और मड एक्सेट्रा। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। इन दिस मिक्सचर द सॉल्यूट पार्टिकल्स डिजॉल्व एंड स्प्रेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द मिक्सचर। द टिंडल इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व इन दिस मिक्सचर। क्यों? क्योंकि अच्छी तरह से मिल जाता है तो टिंडल इफेक्ट देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि वो डिफ्लेक्ट नहीं करेंगे लाइट को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट इन वाटर,
शुगर इन वाटर, आयोडीन इन अल्कोहल, एलॉय एट्सेट्रा. सस्पेंशन क्या है? सस्पेंशन आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर. इन दिस मिक्सचर द सॉल्यूट पार्टिकल्स आर विजिबल टू द नेकेड आई. आप खुली आंखों से देख सकते हो सॉल्यूट पार्टिकल्स को. एंड रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम. द टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन दिस मिक्सचर. फॉर एग्जाम्पल चॉक पाउडर एंड वाटर, व्हीट फ्लोर एंड वाटर एट्सेट्रा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन 36 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 293 केल्विन. एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए 36 ग्राम ऑफ सोडियम का क्लोराइड को डिजॉल्व किया गया किसमें, 100 ग्राम ऑफ वाटर में, कितने ताप पे, 293 केल्विन के टेम्परेचर पे. फाइंड इट्स कॉन्सेंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर. तो इस टेम्परेचर पे इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा आपको पता लगाना है. तो देखिए मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 36 ग्राम. सॉल्यूट का मतलब सोडियम क्लोराइड जो, और मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर क्या है, 100 ग्राम. मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, टोटल ऐड कर दीजिए, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज 36 ग्राम प्लस 100 ग्राम, 136 ग्राम. टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इतना हो गया. देयरफॉर कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन. टोटल मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 36 अपॉन टोटल सॉल्वेंट का, 136 इंटू 100 कर दीजिए, तो कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 26.4% कॉन्सेंट्रेशन है. अनदर क्वेश्चन है, हाउ विल यू सेपरेट अ मिक्सचर कंटेनिंग केरोसिन एंड पेट्रोल. आप एक मिक्सचर जिसमें केरोसिन एंड पेट्रोल है, ठीक है, डिफरेंस इन द एयर बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस, और उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का डिफरेंस है, विच आर मिसिबल विथ ईच अदर. ठीक है, तो कैसे सेपरेट करेंगे हम केरोसिन एंड पेट्रोल को, तो देखिए इसका प्रोसीजर क्या है. अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड हैविंग अ डिफरेंस इन द एयर बॉइलिंग पॉइंट्स मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस कैन बी सेपरेटेड बाय द मेथड ऑफ डिस्टिलेशन. तो दो मिसिबल लिक्विड्स जिनके बीच बॉइलिंग पॉइंट के बीच डिफरेंस है 25 डिग्री सेल्सियस का, उनको हम सेपरेट कर सकते हैं डिस्टिलेशन मेथड से, राइट. दस केरोसिन एंड पेट्रोल कैन बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन. और ये देखिए ये कुछ इस तरीके से आपको ये सेटअप करना पड़ेगा. दिस इज सबसे लेफ्ट साइड से आप देखना शुरू करिए, लेफ्ट साइड से क्लैंप डिस्टिलेशन फ्लास्क. ये जो है ये बॉटल के तरीके का, ठीक है, ये फ्लास्क है. देन इसको आपने हिट करना है, मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर इसमें डालना है और हिट करना है आपको, ये बर्नर है नीचे, ठीक है. और थर्मामीटर आपको फ्लास्क के ऊपर लगा देना है ताकि वो टेम्परेचर रीड करता रहेगा, ठीक है. और दिस इज कोल्ड वाटर, दिस इज वाटर आउटलेट क्लैंप वाटर कंडेंसर, ठीक है, ये इस तरीके का आपको एक लगा देना है. इन दिस मेथड द मिक्सचर ऑफ केरोसिन एंड पेट्रोल इज टेकन इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क. आप जो मिक्सचर है उसको डिस्टिलेशन फ्लास्क में रख दीजिए जैसे कि दिख रहा है आपको, विथ अ थर्मामीटर फिटेड इन इट. थर्मामीटर एक लगा देना है आपको ऊपर. वी ऑल्सो नीड अ बीकर, हमें एक बीकर, ये जो बीकर लगा हुआ है इसकी भी जरूरत पड़ेगी. अ वाटर कंडेंसर, एक वाटर कंडेंसर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है. एंड अ बंसन बर्नर, और एक बर्नर की जरूरत पड़ेगी. द apparatus is arranged as shown in the above figure. इस तरीके से आपको arrange कर देना है. Then the mixture is heated slowly, और mixture को धीरे धीरे heat करना है. The thermometer should be watched simultaneously, और thermometer को देखते रहना है. Kerosene will vaporize and condense in the water condenser. Kerosene vaporize होगा और condense होगा, ये किसमें, water condenser में condense होता जाएगा. The condensed kerosene is collected from the condenser outlet. और जो condensed kerosene होगा ना, वो condenser का जो outlet है, ठीक है, वहाँ से आपको मिलेगा वाटर कंडेंसर में. द कंडेंस्ड केरोसिन इज कलेक्टेड फ्रॉम द कंडेंसर आउटलेट वेयर एज पेट्रोल इज लेफ्ट बिहाइंड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क. तो केरोसिन आपका बाहर आ जाएगा और पेट्रोल फ्लास्क में बच जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टेक्निक टू सेपरेट बटर फ्रॉम कर्ड. बटर को कर्ड से कैसे हम सेपरेट करेंगे, तो इसका जो टेक्निक है उसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन. सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, सी वाटर से सॉल्ट को कैसे, तो इवेपोरेशन की मदद से हम अलग कर लेंगे. कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट, सॉल्ट से कैम्फर को कैसे अलग करेंगे, तो सब्लिमेशन की मदद से अलग कर लेंगे, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर्स इज सेपरेटेड बाय द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. क्रिस्टलाइजेशन की मदद से
किस तरीके के मिक्सचर्स को सेपरेट किया जाता है? आंसर है बाय द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्योर सॉलिड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम इम्प्योरिटीज़ फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट ऑब्टेन फ्रॉम सी इज सेपरेटेड फ्रॉम इम्प्योरिटीज़ क्रिस्टल्स ऑफ एलम यानी कि फिटकरी आर सेपरेटेड फ्रॉम इम्प्योर सैम्पल्स. अगला क्वेश्चन है हमें क्लासीफाई करना है कि ये केमिकल चेंज हो रहा है या फिजिकल चेंज हो रहा है. ठीक है, सबसे पहला जो घटना है वो है कटिंग ऑफ ट्रीज. ठीक है, ये फिनोमेना है क्या फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है. तो कटिंग ऑफ ट्रीज क्या है, फिजिकल चेंज हो रहा है. मेल्टिंग ऑफ बटर इन पैन फिजिकल चेंज है. रस्टिंग ऑफ एलमिरा केमिकल चेंज है. बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम फिजिकल चेंज है. पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड वाटर ब्रेकिंग डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस ये केमिकल चेंज है. डिजॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर फिजिकल चेंज है. मेकिंग अ फ्रूट सैलड विद रॉ फ्रूट्स फिजिकल चेंज है. बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड केमिकल चेंज है. तो जब भी कोई चेंज होगा जिससे उसके उस ऑब्जेक्ट के नेचर में ठीक है कोई चेंज नहीं आएगा, बस उसके फिजिकल फॉर्म में चेंज आ जाएगा तो हम फिजिकल चेंज कहेंगे. और जब कुछ अलग सब्सटेंस हमें मिलेगा किसी चेंज से तो उसे हम केमिकल चेंज कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राई सेग्रीगेटिंग द थिंग्स अराउंड यू एज प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स. आपके आसपास जो चीज़ें हैं उनको प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर में आप सेग्रीगेट करने की कोशिश करिए. तो प्योर सब्सटेंस क्या क्या होंगे, वाटर सॉल्ट शुगर एट्सेट्रा. मिक्सचर होंगे सॉल्ट वाटर सॉइल वुड एयर कोल्ड ड्रिंक रबर स्पंज फॉग मिल्क बटर क्लोथ्स फूड एट्सेट्रा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ठीक है अब हम शुरू करते हैं हमारा तो जो सेकेंड चैप्टर है उसके क्वेश्चन और आंसर. इज मैटर अराउंड अस प्योर. बाकी जो पीछे शायद पहले चैप्टर का कुछ कुछ छूट गया था, सेपरेशन के टेक्निक्स और ये सब छूट गया था, ये हमने कवर कर लिया. चलिए शुरू करते हैं. पहला क्वेश्चन है विच सेपरेशन टेक्निक विल अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग. किस किस सेपरेशन टेक्निक को हम यूज़ करेंगे इन सब के सेपरेशन के लिए. सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर. सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को वाटर से सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन या इवेपोरेशन की मदद से अलग कर सकते हैं. सेकेंड है अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड, तो सब्लिमेशन की मदद से कर लेंगे. स्मॉल पीस ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ अ कार, तो ये हम कैसे करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन और सेडिमेंटेशन की मदद से कर लेंगे. डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स, क्रोमेटोग्राफी से करेंगे. बटर फ्रॉम कर्ड कैसे निकालेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन से निकालेंगे. ऑयल फ्रॉम वाटर को कैसे हम करेंगे, अभी अभी हमने देखा था, सेपरेटिंग फनल से कर लेंगे. आयरन पिंस फ्रॉम सैंड कैसे निकालेंगे, हैंड पिकिंग कर लेंगे सॉरी. ऑयल फ्रॉम वाटर हमने देख लिया, सेपरेटिंग फनल. टी लीव्स फ्रॉम टी लीव्स को कैसे ट्री से निकालेंगे, तो हैंड पिकिंग कर लेंगे. आयरन पिंस फ्रॉम सैंड, आयरन पिंस को हम सैंड से कैसे निकालेंगे, मैग्नेटिक सेपरेशन से निकाल लेंगे. ठीक है, चुंबक की मदद से. वीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क, वीट ग्रेन्स हस्क से कैसे निकालेंगे, विनोइंग से. ठीक है, वो हवा से जो हम निकालते हैं. फाइन मड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर, जो फाइन मड पार्टिकल्स है सस्पेंडेड वाटर में, इसको कैसे निकालेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन से निकालेंगे. अगर ये टेक्निक्स क्या है, कैसे निकाली जाती है, अगर ये आपको जानना है तो हमारा लेक्चर सीरीज देखना पड़ेगा जिसमें हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस करी हुई है. अभी हम बस क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द स्टेप्स यू वुड यूज़ फॉर मेकिंग टी. यूज द वर्ड सॉल्यूशन सॉल्वेंट सॉल्यूट डिजॉल्व सॉल्यूबल इनसॉल्यूबल फिल्ट्रेट एंड रेसिड्यू. तो ये वर्ड्स को यूज़ करने, जब आप चाय बना रहे हो उस दौरान कैसे यूज़ करते हो, तो टेक द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट लेंगे जैसे वाटर, वाटर सॉल्वेंट होता है. ठीक है, इन अ कैटल हीट इट, इसे गर्म करिए. तो वाटर हमने एक वर्ड यूज़ कर लिया, वाटर क्या होता है, सॉल्वेंट होता है. ठीक है, जो सब कुछ को सारी चीज़ों को अपने अंदर मिला लेता है. व्हेन द सॉल्वेंट बॉयल्स, अब जब वाटर बॉयल होने लगा ऐड द सॉल्यूट. अब सॉल्यूट क्या है, यहाँ पे मिल्क सॉल्यूट है, तो मिल्क को ऐड कर दीजिए. मिल्क एंड वाटर फॉर्म्स अ सॉल्यूशन, मिल्क और वाटर मिलके क्या बनाते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन बनाते हैं, तो सॉल्यूशन वर्ड का भी यूज़ हमने कर लिया. देन पोर सम टी लीव्स ओवर अ सीव, अब कुछ टी लीव्स डालिए. ठीक है, पोर स्लोली हॉट सॉल्यूशन ऑफ मिल्क ओवर टी लीव्स, अब जो सॉल्यूशन गर्म है उसको टी लीव्स पे डालिए. कलर ऑफ टी लीव्स गोज इनटू सॉल्यूशन एज फिल्ट्रेट,
कलर ऑफ टी लीव्स गोज इनटू सॉल्यूशन एज फिल्ट्रेट. अब क्या होगा कि वो रंग आने लगेगा चाय की पत्तियों का उस सॉल्यूशन में. द रिमेनिंग टी लीव्स बीइंग इनसॉल्यूबल रिमेन एज रेसिड्यू. तो जो कलर सॉल्यूबल था वो मतलब जो चाय की पत्तियाँ का जो पार्ट सॉल्यूबल था वो उसमें मिल करके डिल्यूट हो गया और कलर चेंज हो गया सॉल्यूशन का, और जो बच गया वो रेसिड्यू हो गया. ठीक है, जो चाय की पत्तियाँ बच जाती है. एड रिक्विजिट शुगर विच डिजॉल्व्स एंड द टी इज़ रेडी. अब डिजॉल्व क्या होगा, चीनी डाली है, डिजॉल्व हो गया और आपका चाय तैयार हो गया. तो ये सारे वर्ड्स को हमने यूज़ कर लिया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रज्ञा टेस्टेड द सॉल्युबिलिटी ऑफ 3 डिफरेंट सब्सटेंसेज एट डिफरेंट टेम्परेचर्स एंड कलेक्टेड द डेटा एज गिवन बिलो. प्रज्ञा ने 3 डिफरेंट सब्सटेंसेज को अलग अलग टेम्परेचर्स पे देखा कि सॉल्युबिलिटी चेक करा उनका. ठीक है, एंड कलेक्टेड द डेटा एज गिवन बिलो. रिजल्ट्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल्स एज ग्राम्स ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. देखिए कैसे हुआ, टेम्परेचर इन केल्विन है, सब्सटेंसेस डिजॉल्व पोटेशियम नाइट्रेट 21 केल्विन, 32, 62, 106 एंड 167. ये क्या है, व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड to produce a saturated solution of potassium nitrate in 50 grams of water and at 313 kelvin. Pragya makes a saturated solution of potassium chloride in water at 353 kelvin and leaves the solution to cool at room temperature. What would she observe the solution cools, explain. तो ये questions का answer आपको इस table के आधार पे देना है. चलिए देखते हैं. आंसर है पहले क्वेश्चन का, एट 313 केल्विन. देखिए एट 313 केल्विन क्या होगा, पोटेशियम नाइट्रेट फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ 100 ग्राम्स वाटर इज 62 ग्राम. पोटेशियम नाइट्रेट फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ 50 ग्राम्स वाटर विल बी 31 ग्राम. तो 100 ग्राम ऑफ वाटर में 313 लगाना, ये देखिए कितना लगा, 313 लगा पोटेशियम नाइट्रेट का 50 ग्राम्स ऑफ वाटर में. तो 313 के टेम्परेचर पे 100 ग्राम ऑफ वाटर में पोटेशियम नाइट्रेट को का सॉल्यूशन बनाने के लिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए जो टेम्परेचर लगा वो 62 लगा. ठीक है, तो 50 ग्राम ऑफ वाटर में कितना लगेगा, तो वो 31 ग्राम लगेगा. सेकंड है क्वेश्चन, सम अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड पोटेशियम क्लोराइड विल रीअपियर एज अनडिजॉल्व्ड सॉलिड एज सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट डिक्रीजेज विद द डिक्रीजेज ऑफ टेम्परेचर. सी क्वेश्चन था, फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट 293 केल्विन विद सॉल्ट एज द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी एट दिस टेम्परेचर. तो देखिए सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एज 393 केल्विन आर एज फॉलोज, पोटेशियम नाइट्रेट 32, सोडियम क्लोराइड 36, पोटेशियम क्लोराइड 35, अमोनियम क्लोराइड 37. अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट हैज द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी इन दिस टेम्परेचर. ठीक है, ये 283 केल्विन पे कितना लगेगा, 293 केल्विन पे कितना लगेगा, 313 केल्विन पे कितना लगेगा, 333 केल्विन पे कितना लगेगा, 353 केल्विन पे कितना कितना लगेगा वो दिया हुआ है. पोटेशियम नाइट्रेट का 283 केल्विन पे कितना लगता है सॉल्यूट सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए, 21 ग्राम्स. 293 पे 32 ग्राम्स, 313 पे 62 ग्राम्स, 333 पे 106 ग्राम एंड 353 पे 167 ग्राम्स. तो इस तरीके से आपको देखना है. ठीक है, अच्छा फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट. तो जब टेम्परेचर में चेंज आता है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट पे क्या फ़र्क पड़ता है. तो देखिए सॉल्ट पे क्या है, जो हमारा है सोडियम क्लोराइड, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है ये बहुत ही इसका जो सॉल्युबिलिटी है वो लगभग सेम है, थोड़ा बहुत ही मतलब बढ़ रहा है. ठीक है, तो देखते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इंक्रीजेज विद द इंक्रीजेज ऑफ टेम्परेचर. जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर तो इस सॉल्युबिलिटी कितनी क्या हो रही है इसकी,
बढ़ रही है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग एग्जांपल्स. सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर ऑफ द सॉलिड और सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सारा का सारा सॉलिड सॉल्यूट जो होता है वो डिसॉल्व हो जाता है और कुछ भी नहीं बचता गिवन टेम्परेचर पे सॉल्यूट डिसॉल्व होने के लिए. सपोज 50 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर. किसी भी सॉल्यूट का 50 ग्राम्स ऑफ वाटर मैक्सिमम है जो कि 100 ग्राम ऑफ वाटर में घुल सकता है, मतलब कुछ भी ले सकते हो एग्जांपल के लिए एट 298 केल्विन पे. तो हम कहेंगे क्या, देन 150 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन सो ऑब्टेंड इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट 298 ग्राम. तो 100 ग्राम ऑफ वाटर एंड 50 ग्राम ऑफ दैट सॉल्यूट, टोटल कितना हो गया 150 ग्राम. तो हम कहेंगे कि 150 ग्राम का जो सॉल्यूशन है ना वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है कितने टेम्परेचर पे, 298 केल्विन पे. ठीक है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है? A pure substance consists of a single of matter or particles and cannot be separated into other kind of matter by any physical process. ऐसा substance जिसे आप अलग नहीं कर सकते किसी भी physical process से. Pure substance always have the same color, उनका color same होगा. Taste and texture at given temperature and pressure सब कुछ same होगा. For example, pure water is always colorless. Pure water colorless होता है, odorless odorless होता है and tasteless होता है and boils at 373 Kelvin at नॉर्मल एटमोस्फेयरिक प्रेशर. नेक्स्ट है कोलोइड एंड सस्पेंशन, देखते हैं. कोलोइड क्या होता है? कोलोइड्स आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स. द पार्टिकल साइज इज टू स्मॉल टू बी सीन विद अ नेकेड आई बट इट इज बिग इनफ टू स्कैटर लाइट. ठीक है, आपको दिखने में तो ये लगेगा कि होमोजीनियस, लेकिन एक्चुअली होता है कि हेट्रोजीनियस होता है जो कि स्कैटर करता है किसको, लाइट को स्कैटर करता है. The particle are called the dispersed phase. जो इसके particles होंगे वो क्या कहलाएंगे, dispersed phase. And the medium in which they are distributed is called dispersion medium. जिस medium में ये distributed होते हैं इनको हम dispersion medium कहते हैं. Colloids are useful in industry and daily life. A colloid has the following characteristics. Colloids के क्या क्या characteristics है देखते हैं. It is a heterogeneous mixture. The size of particles of colloid lies between 1 to 100 nanometer and cannot be seen by naked eyes. The particles of colloids can scatter a beam of light passing through it and make a path visible. ठीक है, the particles of colloid cannot be separated from mixture by filtration. The process of separation is of colloid particles is known as centrifugation. जैसे दूध से जब मक्खन निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, centrifugation का use करते हैं. They do not सेटल डाउन वेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब. अगर आप दूध को बिना हिलाई डुलाई छोड़ दोगे तो क्या कुछ बदलाव आएगा उसके सरफेस पे, कुछ जाके बैठ जाएगा? जी नहीं, क्योंकि वो कॉलोइड है, कुछ नहीं होगा, अनडिस्टर्ब रहेगा तो भी वो सेटल डाउन नहीं होगा. इन अदर वर्ड्स कॉलोइड्स आर क्वाइट स्टेबल. स्मोक, मिल्क, फॉग, क्लाउड, ये एग्जाम्पल्स हैं कॉलोइड्स के. बात करते हैं सस्पेंशन की. अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन suspended throughout the bulk of the medium. A suspension has the following characters. देखिए suspension heterogeneous mixture होते हैं जिसमें solute particles dissolve तो नहीं होते but suspended रहते throughout the bulk, यानी कि scatter करते हैं ये light को. A suspension के क्या क्या characteristics है देखते हैं. It is a heterogeneous mixture. The size of particles of suspension is greater than 100 nanometer and it is visible to naked eyes. The particles of suspension can scatter a beam of light passing through it. The particles of a suspension settle down when left undisturbed. ठीक है, जैसे पानी में चौक का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, सस्पेंशन है. तो जब आप बिना हिलाए डुलाए सॉल्यूशन को छोड़ दोगे तो क्या होगा कि चौक जो है धीरे 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 सरफेस पे जाके बैठ जाएगी, तो सेटल डाउन हो जाती है अगर आप अनडिस्टर्ब्ड उसको छोड़ दो तो. ठीक है, तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका. द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स मिक्सचर बाई फिल्ट्रेशन. तो फिल्ट्रेशन की मदद से आप निकाल सकते हो सस्पेंशन से इसके पार्टिकल्स को. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एट अ होमोजीनियस एट अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. तो आपको क्लासिफाई करना है कि कौन होमोजीनियस मिक्सचर है, कौन हेट्रोजीनियस मिक्सचर है. सोडा वाटर, वुड, एयर, सॉइल, विनेगर एंड फिल्टर्ड टी. तो देखते फिल्टरेटेड टी होमोजीनियस मिक्सचर है. सोडा वाटर, एयर, विनेगर, फिल्टरेटेड टी, ये क्या है? फिल्टर्ड टी, ये क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है. एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है? वुड, सॉइल. बात करते हैं अगले क्वेश्चन की.
हाउ वुड यू कन्फर्म दैट अ कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज अ प्योर वाटर? आप कैसे कन्फर्म करोगे कि एक वाटर आपको दिया गया जो कलरलेस है तो क्या वो प्योर है? आंसर है एवरी लिक्विड हैज अ कैरेक्टरिस्टिक्स बॉइलिंग पॉइंट एट वन एटमोस्फेयरिक प्रेशर. जितने भी लिक्विड्स हैं उनका एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि एक एटमोस्फेयरिक प्रेशर पे उनका बॉइलिंग पॉइंट तय होता है. इफ द गिवन कलरलेस लिक्विड्स बॉइल्स एग्जैक्टली एट 373 केल्विन, हमें पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स 373 केल्विन. तो अगर हम उसको गर्म करके देखेंगे 373 केल्विन पे अगर वो बॉयल होने लग गया तो हम समझेंगे कि वो जो वाटर था प्योर था. देन इट इज़ प्योर वाटर. इफ द बॉइलिंग पॉइंट इज डिफरेंट देन द वाटर इज कंटेमिनेटेड, तो हम समझेंगे कि वाटर प्योर नहीं था. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंस क्या क्या होगा? आइस होगा क्या प्योर सब्सटेंस? जी हाँ होगा, पानी से मिलकर बना होता है. मिल्क नहीं होगा. आयरन होगा. हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा. कैल्शियम ऑक्साइड होगा. मर्क्यूरी होगा. ब्रिक नहीं होगा. वुड नहीं होगा. एयर नहीं होगा. ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की. आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर्स. तो सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करना है आपको इन मिक्सचर्स में. सॉइल, सी वाटर, एयर, कोल, सोडा वाटर, इनमें आपको सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करना है. तो बात देखते हैं. सॉल्यूशन अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर आर सी वाटर, एयर एंड सोडा वाटर. सी वाटर सॉल्यूशन है, एयर सॉल्यूशन है, सोडा वाटर सॉल्यूशन है, कोयला सॉल्यूशन नहीं है, सॉइल सॉल्यूशन नहीं है. ठीक है, दिस आर मिक्सचर्स. विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट. तो इनमें से टिंडल इफेक्ट कौन कौन दिखाएगा? सॉल्ट सॉल्यूशन दिखाएगा क्या? जी नहीं, ये बिल्कुल ही सॉल्युबल होता है, स्टेबल होता है, ये स्कैटर नहीं करता है लाइट, बीम ऑफ लाइट को, पाथ को, तो ये टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाएगा. मिल्क दिखाएगा क्योंकि ये कॉलॉइड्स होते हैं. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन नहीं दिखाएगा. स्टार्च सॉल्यूशन दिखाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, कॉलॉइड्स होते हैं, और कॉलॉइड्स हमेशा क्या दिखाते हैं, टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं. अगले क्वेश्चन की बात करते हैं. क्लासीफाई दी फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स. एलिमेंट्स कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स में आपको इनको डिफ्रेंशिएट करना है, क्लासीफाई करना है. तो हमें पता है एलिमेंट्स क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं, दो या दो से अधिक एलिमेंट्स मिलकर के कंपाउंड्स बनाते हैं. और मिक्सचर्स हमें पता है, मिक्सचर्स में जो होगा वो जो कंपोजिशन होगा वो यूनिफॉर्म नहीं होगा. सोडियम, सॉइल, शुगर सॉल्यूशन, सिल्वर, कैल्शियम कार्बोनेट, टीन, सिलिकन, कोल, एयर, सोप, मिथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड, इनमें देखते हैं. एलिमेंट्स है सोडियम, सिल्वर, टीन, सिलिकॉन, ये सारे एलिमेंट्स हैं. कंपाउंड्स देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर बने, इसलिए ये कंपाउंड्स हैं. मीथेन कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है. मिक्सचर देखते हैं, सॉइल मिक्सचर है, शुगर सॉल्यूशन मिक्सचर है, कोल मिक्सचर है, एयर मिक्सचर है, सोप मिक्सचर है, ब्लड मिक्सचर है. अगले क्वेश्चन की बात करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंज. केमिकल चेंज इसमें क्या है? ग्रोथ ऑफ अ प्लांट क्या है, ये केमिकल चेंज है. रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंज है. मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सैंड, ये है क्या? मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सैंड नहीं, ये केमिकल चेंज नहीं है. कुकिंग ऑफ फूड, यस केमिकल चेंज है. डाइजेशन ऑफ फूड केमिकल चेंज है. फ्रीजिंग ऑफ वाटर, नहीं फिजिकल चेंज है ये. बर्निंग ऑफ कैंडल केमिकल चेंज है ये. ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की. अच्छा ठीक है, सो इतना ही था चैप्टर सेकेंड में. अब अगले चैप्टर में हम बात करेंगे थर्ड चैप्टर की. तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही. अगर आपको जो भी डाउट्स हैं, आपको कोई सजेशंस देने हैं, तो आप हमें मेल कर सकते हो या फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो. देखते रहिए वीडियो को, लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, और बने रहिए एनसीईआरटी जोन के साथ. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए. मिलते हैं अगले लेसन में, अगले वीडियो में, किसी नए सब्जेक्ट, किसी नए टॉपिक के साथ. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.